आज से 120 साल पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्वामी जी ने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का टॉपिक था मिरेकल पावर ऑफ इंडियन योगीज। उसमें स्वामी जी ने उनके जीवन में देखे हुए कुछ योगियों की अद्भुत बातें बताई थी, जिससे पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। उसमें एक योगी के बारे में स्वामी जी ने बताया था कि वो योगी ऐसा था जो किसी भी मन में, आप मन में कोई भी इच्छा धारण कीजिए, कोई भी शब्द रखिए, वो तुरंत वो शब्द बता देता कि आपने मन में क्या रखा है। ये टेलीपैथिक पावर थी और स्वामी जी ने खुद उसका परीक्षण किया था। स्वामी विवेकानंद अपने दुनिया में उस समय के सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे, इसलिए उनको ठगना या कोई ट्रिक दिखाना किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इस बात को सही माना था। और दूसरा प्रयोग उन्होंने देखा था एक योगी का, जो हवा में से किसी भी चीज को पैदा कर देता, जिसने स्वामी जी के सामने फलों का ढेर लगा दिया था। मित्रों, इसी तरह का प्रयोग स्टीव जॉब्स के गुरु नीम करोली बाबा भी कभी कभी करके दिखाते थे, हवा में से चीजों को प्रकट करना, जिसे मटेरियलाइजेशन कहा जाता है। ये एक अद्भुत प्रयोग है। लेकिन स्वामी जी ने इन लेक्चर्स का जो कंक्लूजन बताया था, जो सारांश बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो चमत्कार है वो कोई चमत्कार नहीं है, वो सब माइंड पावर के खेल है। इस लेक्चर को बाद में पावर ऑफ माइंड के नाम से प्रसारित किया गया। इसमें स्वामी जी ने बताया था कि ये मानसिक शक्तियां इतनी अद्भुत होती है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका डायमेंशन बहुत ही विराट है और हम इसके सिर्फ 1-2% के बारे में ही जान पाए हैं। इतनी ये शक्तियां विराट होती है और इन शक्तियों को डेवलप करने के लिए स्वामी जी हमेशा अपनी योगिक साधनाएं किया करते थे और उनके कुछ शिष्यों को भी उन्होंने ये साधनाएं सिखाई थी और उनको भी ये माइंड पावर के कुछ अद्भुत और अलौकिक चमत्कारी गुणधर्म दिखाई देने लगे थे। मित्रों, मन के अंदर इतनी असीम शक्तियां होती है लेकिन वो निद्रिस्त अवस्था में होती है। अगर उनको जगाया जाए तो कई सारी चमत्कारी घटनाएं सिद्ध हो सकती है। मैंने एक हिप्नोटिक वीडियो में आपको पिछली बार बताया था कि कैसे मैंने एक लड़की को हिप्नोटिज्म द्वारा उसके अंदर की शक्ति को जागृत किया था और वो लड़की जो पानी से भरा हुआ लोटा भी उठा लेती तो उसका हाथ ऐसा थरथराने लगता था, वो दंड मारने लग गई अपने पीठ पे दूसरी लड़की को बिठा के। ये वीडियो फिर से एक बार देखिए, क्योंकि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू करना है, कैप नहीं लेना है, बिल्कुल, वेरी गुड, कंटिन्यू शुरू रखो, वेरी गुड, वेरी गुड, अभी खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो जा। इस लड़की के अंदर अचानक से इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? अगर कोई बुआ बाबा होता तो ये बोलेगा कि ये शक्ति मैंने उसके अंदर डाल दी, ये मेरी शक्ति है। लेकिन नहीं मित्रों, इसमें मैंने कोई शक्ति नहीं डाली थी, ये शक्ति थी उस लड़की के अपने अचेतन मन की, उसके सब कॉन्शियस माइंड की, जिसको मैंने सम्मोहन द्वारा सिर्फ जागृत किया था। हर एक में टैलेंट है लेकिन वो साइलेंट है। इस शक्ति को जागृत करना पड़ता है, इसके लिए कई सारी विधियां अपनाई जाती है, कई सारे योगास है, तांत्रिक क्रिया है, मंत्रिक क्रिया है, यंत्र है और इसके साथ साथ प्राणायाम, विपश्यना, ऐसी कई सारी क्रियाओं द्वारा इस शक्तियों को जागरूक किया जाता है। लेकिन सबसे आसान और कारगर तरीका मैं मानता हूँ सम्मोहन विद्या, जिससे इन शक्तियों को जागरूक किया जाता है। हर एक में टैलेंट है लेकिन वो साइलेंट है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। चंद्रमा में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मित्रों, ये अंदर की बत्ती जलानी होती है और ये काम सम्मोहन विद्या द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। स्वामी जी ने भी इसी बात को कहा है कि माइंड पावर को अगर हम जगाते हैं तो एक साधारण सा इंसान भी महान मानव बन सकता है। और स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन भर इसी कार्य को किया था और इसी चेतना को लोगों में प्रसारित करने का कार्य भी स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके जो गुरु थे तोतापुरी महाराज और उनके भी जो गुरु थे महात्मा कबीर, उन्होंने एक बार कहा है कि जैसे तिल में रहे तेल और चकमक में रहे आग, वैसे ही तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो मित्रों, अपने अंदर की शक्ति को जगाना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको इसका अनुभव आएगा और यह शक्य होगा सम्मोहन विद्या द्वारा।